हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज बिजनेस और शादी इन दोनों के बारे में बात करना चाहता हूँ। एंड सम ऑफ इट इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड सम ऑफ इट इज़ व्हाट आई हैव सीन एंड ऑब्जर्व्ड। तो जैसे आप लोगों को पता होगा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ एंड आई एम मैरिड एज वेल। आई एम मैरिड फॉर द पास्ट 12 ईयर्स। और इन दोनों जर्नीज में मेरे कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं एंड आई हैव फाउंड सम सिमिलैरिटीज इन बोथ दीज जर्नीज। तो आई वुड वांट टू शेयर के बिजनेस और मैरिज में क्या कॉमन है, क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो पहले देखते हैं कि एक बिजनेस और एक शादी कब फेल कर सकती है। जैसे हम अपने आसपास, अगर आप इंडिया में किसी अर्बन सिटी में रह रहे हैं, आप देखेंगे आजकल काफ़ी शादियां नहीं चलती। और आप ये भी देखते होंगे कि काफ़ी लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो भी नहीं चलते। तो क्यों नहीं चलते, ऐसा क्यों होता है कि कोई शादी या एक बिजनेस ना चले? उसका एक कारण हो सकता है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर यह है कि अरे, मेरे सारे दोस्त शादी कर रहे हैं तो मुझे भी करनी चाहिए, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी शादी कर लेता हूँ। या फिर मेरे सारे दोस्त बिजनेस कर रहे हैं तो मुझे भी स्टार्टअप करना चाहिए, तो मैं कर लेता हूँ, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊँगा। अब ये देखिए, बोथ दीज थिंग्स, मैरिज और बिजनेस, इज नॉट अ शॉर्ट टर्म कमिटमेंट, ठीक है? और अगर इसके लिए मोटिवेशन, रीजन कोई सॉलिड सा ना हो, तो दोनों को ही बहुत दिन तक सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वाइल बोथ दीज जर्नीज आर वेरी फुलफिलिंग, बोथ दीज जर्नीज ऑल्सो हैव डिमांड्स। दोनों में ही काफ़ी डिमांड भी होता है, चीज़ें चैलेंजिंग भी हो जाती हैं। जैसे आपने शादी तो कर ली, आपने डेट किया होगा कुछ देर के लिए अपने पार्टनर को, एंड वेन यू गो फॉर अ डेट द पार्टनर्स आर यू नो शोइंग द बेस्ट ऑफ ईच अदर। तो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो आप, मूवी देख रहे हो, रोमांटिक बातें कर रहे हो, लेकिन जब उस इंसान से आपकी शादी हो जाती है और कुछ महीने बाद वो सुबह जब उठता है वही इंसान और उसके मुँह से बदबू आती है, दैट इज समथिंग दैट यू डोंट एक्सपेक्ट राइट ड्यूरिंग योर डेटिंग स्टेजेस। बट मैरिज में वो भी एक एक्सपीरियंस है जो एक्सेप्ट करना होगा। Like it's you know, it's a commitment of sharing your life with your partner। और जब आप किसी के साथ अपनी जिंदगी शेयर कर रहे हैं तो उसकी not so attractive चीज़ें भी आपको दिखेंगी और आपको उसके लिए acceptance रखना पड़ेगा। Similarly, अगर आप business शुरू करते हैं, पहले दिन से ही अच्छे results नहीं आते। शुरू शुरू में हो सकता है कुछ अच्छे results आ जाएं, लेकिन जैसे ही कोई setback आता है, अगर आपका कॉन्टेक्स्ट ये था कि बस दोस्त बिजनेस कर रहे हैं तो मैं करूं ताकि मैं पीछे ना रह जाऊं, तो आपका मोटिवेशन, आपकी एबिलिटी टू डील विद द टफ सिचुएशंस, वो ढीली पड़ जाती है। दूसरी एक चीज है कि प्रेशर ऑफ टाइमलाइन। बिजनेस में काफी बारी देखा है जो नौकरी पे सेटल्ड हैं, वो कहते हैं अच्छा, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैं बिजनेस करूंगा और इस बिजनेस को मैं बस 2 साल देने वाला हूँ। 2 साल में अगर रेवेन्यूज नहीं बनते हैं या ये रिजल्ट नहीं आता है तो मैं वापस नौकरी पे चला जाऊंगा। ये देखने में शायद सिंपल लगता होगा ये अप्रोच, बट इट इज एक्चुअली वेरी रिस्की एंड वेरी काउंटर प्रोडक्टिव। क्योंकि बिजनेस इज अ क्रिएटिव जर्नी। बिजनेस में बहुत डिस्कवरी होती है, चीजें पता नहीं होती हैं, चीजें अनसर्टन होती हैं, और उस पर अगर आप अपने आप पे एक अननेसेसरी टाइमलाइन का प्रेशर डालें, तो इन मोस्ट केसेस होता क्या है, आप अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है? और फिर आपकी इनसिक्योरिटीज भी प्ले अप करने लगती हैं कि यार, मैं तो उतनी सैलरी कमा रहा था, मेरे धंधे में तो इतना भी नहीं हो रहा, ये वो, एंड देन इट बिकम्स अ वेरी पेनफुल, स्ट्रेसफुल, डीमोटिवेटिंग जर्नी अगर आपने टाइमलाइंस रखे हुए। सिमिलरली शादी अगर आप करो, अगर आप सोचोगे अच्छा मुझे 2 साल में एक सर्टन रिजल्ट चाहिए, लेट्स से आई वांट टू हैव अ चाइल्ड इन 2 ईयर्स, और अगर चाइल्ड नहीं होता है तो फिर यू नो द मैरिज इज नॉट वर्किंग, अगर ऐसा अप्रोच रखोगे देन यू नो ऑब्वियसली इट विल बी अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस, राइट? अनफॉर्चुनेटली अगर वो रिजल्ट नहीं होता है तो वट एवर इज द रिजल्ट, चाइल्ड का मैंने एग्जाम्पल दिया बट इट कैन बी एनी थिंग, मतलब बहुत
रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच अगर आप रखोगे और बहुत स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस के साथ अगर ये अप्रोच रखोगे तो चांसेस हैं कि यू विल हैव अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग डिसएम्पावरिंग एक्सपीरियंस इन बोथ दीज एरियाज. दूसरे क्या कारण हो सकते हैं एक बिजनेस के ना चलने के या एक शादी के ना चलने के? इन इन बोथ केसेस यू नो पार्टनर्स, अगर अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं जिसमें बिजनेस पार्टनर हैं आपके, इफ यू स्टक विद अ रॉन्ग पार्टनर तो फिर ऑब्वियसली यू नो द बिजनेस विल नॉट गो टू फार. एंड व्हेन आई से रॉन्ग पार्टनर देर कैन बी यू नो सम रीजंस, कुछ कुछ हो सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा अलग हों आप, जैसे एथिक्स ही गलत हों आपके पार्टनर के, मॉरल्स गलत हों. और शादी में भी अगर ऐसा हो कि कोई इंसान हर वक्त झूठ बोल रहा है, एथिकली चीजें कर रहा है जो कि आपके वैल्यू सिस्टम से मैच नहीं कर रहा. एंड वी सी इंस्टेंसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, अनरेस्ट, ये वो, विच इज लाइक यू नो यू जस्ट स्टक विद एन अब्यूसिव पार्टनर एंड इट इज बेस्ट टू एंड दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, राइट? तो इस वजह से भी मैरिजेस खत्म हो जाती है. एंड सिमिलरली अगर इफ यू आर स्टक विद अ पार्टनर हु इज वेरी अब्यूसिव, वेरी मॉरली मिसअलाइन टू योर वैल्यू सिस्टम इन द बिजनेस साइड, चाहे जितना भी बड़ा बिजनेस का विजन हो, बेस्ट यही है कि आप उस पार्टनरशिप से निकल आए, क्योंकि बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस होगा. बहुत ज्यादा बिजनेस आगे बढ़ेगा भी नहीं, अगर बढ़ भी गया इट विल नॉट बी अ फुलफिलिंग जर्नी. सो यू नो एज अ ह्यूमन बीइंग यू विल बी मोर स्ट्रेस्ड एंड अनहैप्पी यू नो मोर देन एनीथिंग एल्स. और किस कारण से मैरिजेस फेल कर जाते हैं या बिजनेसेस फेल कर जाते हैं? अगर आपके गोल्स बहुत ही ड्रास्टिकली डिफरेंट हो, अगर दो पार्टनर जिंदगी बिताने का फैसला करते हैं तो कुछ कुछ चीजें फंडामेंटली कॉमन होनी चाहिए, और अगर ये कॉमनैलिटी नहीं रहती, अगर पार्टनर्स को बहुत ही अलग अलग चीजें चाहिए अपनी लाइफ में एंड नीदर ऑफ देम आर फ्लेक्सिबल टू अडैप्ट, देन द मैरिजेस कैन फेल. ओके, सिमिलरली इन बिजनेसेस ऑल्सो अगर बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ द बिजनेस शुड बी रन, be it customer, be it product, be it service, be it investments, be it who to hire, how to drive work culture, agar bahut fundamental differences hain to bhi businesses nahi chalte hain, partnerships nahi chalti hain. And agar founding members mein issues ho to businesses mostly band hi ho jati hain. In fact ek investor website mein main dekh raha tha jo VC funding karte hain, wo keh rahe hain ki maximum you know times that our investment doesn't give us the return, hum jahan paisa lagate hain jis business mein aur wahan business band ho jata hai, it is because ke founders ya partners mein nahi bani. Okay, to ye talmel bada zaruri hota hai in both these instances. To ye to ho gaye karan jis wajah se ek shaadi ya ek business na chale. Ab hum dekhte hain ke aisa kya hona chahiye taki एक शादी या एक बिजनेस चले और अच्छे से चले और लंबे समय तक चले. फर्स्ट थिंग इज लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, यू नो इन अ वे. सी, शादी के लिए तो हमें पता ही है कि जनरली इट्स अ लाइफ टाइम कमिटमेंट. कोई भी शादी ये सोच के करता नहीं है कि मैं 5 साल के लिए शादीशुदा रहूंगा. सो दैट वेज इट्स एन एक्सेप्टेड थिंग. बट ऑन द बिजनेस साइड जैसे मैंने बोला, ये टाइमलाइन वाला हिसाब किताब ना आपको छोड़ना पड़ेगा. अगर आप सीरियस हो, आप अपने पीछे टाइमलाइन मत रखिए. मैं ये नहीं कह रहा कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप बिल्कुल यू नो हैंड टू माउथ हो गए और आप कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने टाइमलाइन का डंडा अपने सर पे नहीं रखा है ना, जब टफ टाइम्स आएंगे भी आप उसमें से गुजर के बेटर टाइम्स में पहुंच जाएंगे, ठीक है, रादर देन लुकिंग एट अदर एवेन्यूज ऑफ रनिंग अवे टू अदर थिंग्स. तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मेंटली आपको कर लेना चाहिए कि हाँ, मैं बिजनेसमैन बन चुका हूं. ओके, और जिंदगी, एंड दैट्स माय आइडेंटिटी. इट्स लाइक आइडेंटिटी, इट्स लाइक आई एम मैरिड. ओके, एंड दैट इज माय आइडेंटिटी. मैं ये तो नहीं हूं कि आई एम मैरिड फॉर 10 इयर्स, एक वैलिड पासपोर्ट की वैलिडिटी टाइप की तो नहीं ना. एटलीस्ट दैट्स नॉट द वे एनीबॉडी वांट्स टू बी मैरिड. अनफॉर्चुनेटली मैरिजेस माइट एंड, बट नोबडी वांट्स टू बी मैरिड फॉर 10 इयर्स ओनली. तो मेंटली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होना चाहिए. दूसरी चीज ये है कि चीजें बदलती हैं, लोग बदलते हैं, जिंदगियां बदलती हैं. तो मैं यहाँ पे मेरे एक एक्स बॉस को कोट करूंगा. मैं कुछ 24 साल का था, मैं ताइवान में एक प्रोजेक्ट के लिए गया हुआ था और
मेरे बॉस वहाँ पे एक अमेरिकन थे, मिस्टर माइकल केलर. ही वॉज वेरी सीनियर, ही वॉज इन हिज 40s, ही हैड 2 kids, और हम लोग बहुत फ्रेंडली हो गए थे. तो मैंने बातों बातों में उनको पूछा कि माइक, हमें सुनने में आता है कि अमेरिका में डिवोर्सेस बहुत होते हैं, लेकिन आपकी शादी बड़ी अच्छी चल रही है, तो आपकी अच्छी शादी का राज क्या है? तो पहले तो वो बहुत हंसे, फिर उन्होंने एक बात कही जो कि मुझे अभी भी याद है, एंड आई हैव टेकन इट टू माय हार्ट. उन्होंने कहा, देखो अरिजीत, यू एंड योर पार्टनर विल कीप ग्रोइंग. आप ग्रो करोगे, आप जब जिंदगी में आगे जाओगे आप ग्रो करोगे. और उस टाइम मैं, मेरी एग्जिस्टिंग जो वाइफ है मैं उसको डेट कर रहा था, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो मैंने इस बारे में थोड़ा इनपुट लिया कि भाई आगे जाके कैसे रिलेशनशिप कंडक्ट करनी चाहिए. तो उन्होंने इंग्लिश में बोला कि देर आर टू वेज यू कैन ग्रो एज पार्टनर्स, ईदर यू ग्रो टूगेदर, ऐसे ऐसे करके ग्रो करो, और यू ग्रो अपार्ट. द मोमेंट यू ग्रो अपार्ट, योर मैरिज विल स्टार्ट हैविंग इश्यूज, योर बिजनेस विल स्टार्ट हैविंग इश्यूज, योर पार्टनरशिप विल स्टार्ट हैविंग इश्यूज. तो चेंज तो करना है, जिंदगी के साथ बदलना ही है. जैसे आप शादी करोगे, पहले यू आर अ कपल, देन यू हैव किड्स, देन द डायनामिक्स चेंज. यू नो, इनिशियली यू आर इन योर 20s, देन यू आर इन योर 30s, रिक्वायरमेंट्स चेंज, योर थिंकिंग चेंजेस. सिमिलरली बिजनेस में भी चीजें बदलती हैं. और बिजनेस में एक अच्छा सा टर्म है इसके लिए, टर्म को कहते हैं पिवटिंग, पिवट करना. कि जैसे बिजनेस के डायनामिक्स बदले, आप अपने बिजनेस करने का तरीका भी बदलते रहे. इसका मतलब एसेंशियली क्या है कि आप अपने ओरिजिनल बिजनेस आइडिया को पकड़ के नहीं बैठे रहे. समय जैसे बदलता है आप अपने आप को भी बदलते रहे, लेकिन ये इंश्योर करें कि आप साथ में बदल रहे हैं. देर आर थिंग्स इन कॉमन फॉर यू व्हेन यू गो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ चेंज. एंड यू नो द नेक्स्ट थिंग इज, आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आप आगे जाके साथ में करना क्या चाहते हैं, बिजनेस में क्या करना चाहते हैं, शादी में क्या करना चाहते हैं. सो यू शुड क्रिएट गोल्स. वेकेशन माइट बी अ गोल. देखिए नेचुरली जब शादी करते हैं, सोसाइटली एक्सेप्टेड गोल है एक बच्चा, दो बच्चे, दैट्स अ शेयर्ड गोल. सो यू क्रिएट शेयर्ड फ्यूचर. ठीक है, आगे जाके हमें घर बनाना है, दैट्स अ शेयर्ड गोल. आगे जाके हमें फिटनेस में साथ में कुछ करना है, हमें वेकेशंस करनी है, हमें इतना पैसा बनाना है, हमें यहाँ यहाँ घूमने जाना है. दीज आर शेयर्ड गोल्स, एंड टिल द टाइम दे आर शेयर्ड, दोनों पार्टनर्स का मोटिवेशन है तो शादी में कनेक्ट रहेगा, बिकॉज यू आर चेजिंग सम कॉमन गोल्स. सिमिलरली बिजनेस में विजन क्लियर हो जाए. अगर आपका पार्टनर नहीं भी है, आप अकेले बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन आपकी टीम है, टीम के साथ अपना विजन आप शेयर कीजिए. और बिजनेस में अगर आपको कुछ भी बड़ा करना है ना, वो विजन अगर सिर्फ आपका विजन बन के रह जाएगा ना, तो वो बिजनेस कभी बड़ा नहीं बन पाएगा. People need to start identifying those as their own vision. They need to take that vision over from you. उनको भी लगना चाहिए, हाँ ये मेरी कंपनी है, मैं इसको आगे ले जाऊंगा या ले जाऊंगी, तो मुझे ये मिलेगा. Okay, that's how you can grow. जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज आप ले लीजिए, वो ग्रो तभी करती हैं जब वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो भी entrepreneur और owner की तरह ownership ले के आगे बढ़े, ना कि बस अपना बेसिक वाला 4-6 घंटे 8 घंटे का काम करके निकल जाए. नेक्स्ट थिंग इज, यू नो, लुक एट प्लेइंग टू ईच अदर स्ट्रेंथ्स. देखिए हम इंसान हैं, हम चाहे जो भी हैं, एकेडमिकली जितने भी ब्रिलियंट हो, जितने भी बड़े अचीवर्स हो, हम सब में खामियां हैं, और किसी की गलती निकालना सबसे आसान चीज है. तो जब आप किसी के साथ क्लोजली काम कर रहे हैं या फिर जिंदगी जी रहे हैं, तो उनकी गलतियों पर फोकस नहीं करके उनके स्ट्रेंथ्स पे फोकस कीजिए. ठीक है, और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए. हो सकता है कि आपके पार्टनर को घर में खाना बनाना नहीं आता, तो उसको लेके बड़ा बखेड़ा मत खड़ा कीजिए. एंड स्पेशली इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, वो खाना बनाने की एक्सपेक्टेशन फीमेल्स से ज़्यादा होता है. तो लेकिन अगर आपके स्पाउस को खाना बनाना नहीं आता, डोंट मेक अ बिग डील आउट ऑफ दैट. यू नो, ट्राई टू कॉम्प्लीमेंट. आपको शायद आपके स्पाउस को प्रोफेशनली बहुत कुछ आता है, Maybe she is excellent as a professional. तो उसको recognize कीजिए, और खाना बनाने के लिए या तो खुद बनाइए या अपना structure बनाइए. लेकिन you know, just because somebody is not very good at one area, उसको हर बार magnify मत करते लीजिए. So play to each other's strength. That will be very critical. You know, second last चीज मैं बताऊंगा. देखिए जब गलत time आता है या बुरा समय आता है, एक दूसरे को blame मत कीजिए.
चाहे वो बिजनेस में हो चाहे वो मैरिज में हो, हमारा बड़ा नेचुरल टेंडेंसी होता है जैसे कुछ गलत होता है तो हम फिंगर पॉइंटिंग करते हैं कि ये तो दूसरे की वजह से हुआ, दूसरे की वजह से हुआ। लेकिन जो सच में बिजनेसेस अच्छे चलते हैं या जो सच में पार्टनरशिप्स इन मैरिज अच्छे चलते हैं, दे स्टिक इवन क्लोजर ड्यूरिंग देयर हार्ड टाइम्स। अगर बुरा समय आता है ना तो और ज्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और बिजनेसेस में भी ऐसा ही है, अगर बुरा समय आया, आप देखिए COVID-19 आके गया, कंपनीज हु आर डूइंग वेरी वेल नाउ, वो उन्होंने सबसे सबसे क्लोजली एकजुट बन के COVID-19 के क्राइसिस को डील किया होगा। ओके, इसीलिए उसका फायदा अभी वो उठा पा रहे हैं। सो बैक ईच अदर इन टफ टाइम्स रादर देन यू नो ब्लेमिंग ईच अदर। नाउ द लास्ट पॉइंट इज रिस्पेक्ट। किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी एनवायरनमेंट में देयर नीड्स टू बी रिस्पेक्ट। एक दूसरे को रिस्पेक्ट कीजिए, चाहे वो बिजनेस एनवायरनमेंट में हो, चाहे आप बॉस हो, आपके 5 एम्प्लॉयज हो, आपको उनको रिस्पेक्ट देना है। आपको उनको ग्रांटेड नहीं लेना है कि मैं तो भाई बॉस हूँ, मैं इनको सैलरी दे रहा हूँ तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। नहीं, वो बहुत दिन टिके नहीं रहेंगे आपके साथ। एंड ऑल्सो यू नो इन अ मैरिज इफ यू टेक योर पार्टनर फॉर ग्रांटेड, आप उनको डिसरेस्पेक्ट करते हैं, उनके व्यूज को यू नो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनके प्रेफरेंसेस को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो शादी सिर्फ एकेडमिक रह जाती है एंड इवेंचुअली इट माइट जस्ट नॉट बी देयर इवन बिफोर यू रियलाइज। सो डोंट टेक एनीवन फॉर ग्रांटेड। बिजनेस में दूसरी चीज, डोंट टेक कस्टमर्स फॉर ग्रांटेड। आज आपके क्लाइंट्स आपके सर्विस या प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि कल भी खरीदेंगे। सो डोंट बिकम एरोगेंट अबाउट वट एवर सक्सेस यू हैड इन बिजनेस एंड स्टार्ट थिंकिंग कि आप कस्टमर से बड़े हैं। कस्टमर को और अपनी टीम को आप अपने से पहले रखिए व्हेन इट कम्स टू पेइंग रिस्पेक्ट। ओके, एंड सिमिलरली यू नो एनीबडी एंड एवरीबडी, इंसान को अगर आप रिस्पेक्ट दें, कोई भी नहीं बोलेगा कि मुझे रिस्पेक्ट मत दो। सब रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं और वो चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग वी नीड टू बी रिस्पेक्टेड नो मैटर हु वी आर। सो दीज आर द नगेट्स दैट आई वांटेड टू शेयर। यू नो सम ऑफ इट आई ट्राई टू प्रैक्टिस टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज इन माई लाइफ। जो मैंने फेल्ड मैरिज और फेल्ड बिजनेस के रीजंस बताए, उसमें से कुछ कुछ मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करे हुए हैं अपने लाइफ में। यू नो मैरिज में तो नहीं, लेकिन हाँ बिजनेस साइड में आई हैव हैड सम सेटबैक्स विच हैव मेड मी वाइजर। यू नो किन के साथ अलायंस करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, बिजनेस को अप्रोच कैसे करना चाहिए। जैसे एक बिजनेस मैंने किया था जहाँ मैं ये टाइमलाइन का डंडा सर पे लेके कर रहा था एंड इट वॉज नॉट अ वेरी हैप्पी एक्सपीरियंस। सो दिस इज यू नो मोस्ट ऑफ इट इज थ्रू माई पर्सनल लर्निंग्स एंड सम ऑफ इट इज थ्रू माई ऑब्जर्वेशन जो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा होगा, और अगर यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू गेट नोटिफाइड फॉर माई फ्यूचर वीडियोज़। आई विल कम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑफ होपफुली समथिंग यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय।